तो मौसम बहुत बेस्ट था, इसलिए हमने सोचा कि आज रात, वैसे तो मैं तो रात में ही सोच रखी थी, लेकिन हमने कहा सुबह में बनाऊंगी। तो कटहल की सब्जी और दाल की पूड़ी में बनाया, खीर भी बना रहा। तो फ्रेंड जय माता दी, मैं प्रिया श्रीवास्तव हूँ, कुकिंग मौसम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कटहल की सब्जी और दाल, चने की दाल की पूड़ी। ये देखिए हमारे हमारे कटहल हैं, करीबन आधा किलो हम कटहल लिए हैं, हमारे परिवार के लिए इतना बहुत होता है। देखिए खड़ा मिर्चा है, जीरा है, हमारी प्याज है, करीबन 8 प्याज हमारे ये हैं। और ये देखिए हमारा मसाला है, इसमें खड़ी धनिया है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, लवंग है, सारे मसाले खड़े पूरे मसाले इसमें है, अदरक भी है, पेस्ट है। तो भाई देखिए अब हम गैस के पास आ गए हैं, गैस ऑन करके ये हम कुकर चढ़ा रहे हैं। ये करीबन हमारा इतना तेल लगेगा, तेल इसमें ज्यादा पड़ेगा। पत्ता डालेंगे, ये देखिए हम तेज पत्ते डाल दिए, उसके बाद हम जीरा डालेंगे, करीबन 1 चम्मच जीरा डालेंगे, खड़ी मिर्ची इसमें डालेंगे, डालेंगे देखो मुझसे पता है डालेंगे करीबन इसको हम 5 मिनट तक इसको भूनेंगे। देखिए इसमें पानी बहुत कम पड़ता है, ये प्याज से ही चाह रही है, पकता है ये पता है। निकाल लेते हैं, ये देखिए 3 सीटी हमारा हो चुका है करीबन। अब इसको हम देखे, ये देखिए हो गया ना 3 सीटी, ये देखिए। अब इसको कुछ नहीं करना है, ये जो हम पिसा हुआ मसाला रखे हुए हैं ये देखिए, इसमें इसको ऐसे डाल देना है, इसमें कुछ करना नहीं है। और 1 चम्मच हल्दी डाल देनी है, करीबन छोटा 1 चम्मच इसमें हल्दी हम डाल देंगे, 1 से 2 चम्मच हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है। आप बनाइएगा तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, हम अपने हिसाब से कुटी हुई मिर्ची डाले हैं, आप बनाइएगा जिस हिसाब से आपके घर में तीखा खाते हो। उसके बाद इसको एक बार हम इसे चला लेंगे अच्छे ढंग से, कितना कलर इसका बेस्ट आया है। और उसके बाद इस ये प्याज जो है ऊपर से ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे करके इस प्याज को ऐसे डाल देना है, ये प्याज के ही सहारे ही पकेगा, सारी प्याज ऐसे चला ले डाल देनी है इसमें। इस प्याज को भी चलाना नहीं है, 5 मिनट तक से ढक कर दीजिए, मात्र 5 मिनट तक। तो देखिए 5 मिनट मेरा हो चुका है, अब इसको अच्छे ढंग से चलाएंगे, चारों तरफ से अच्छे ढंग से चलाना है, ये देखिए ऐसे ऐसे करके चलाना है अच्छे ढंग से।
चारों तरफ इसको मिक्स कर लीजिए, चला लीजिए। हम आपसे फिर कहे हैं पानी नहीं डालनी है, बहुत जरा से नाम मात्र का पानी डालना है। अब इसमें हम लगा देंगे सीटी, ये देखिए जो मेरा मसाला वाला पानी थोड़ा सा बचा हुआ था इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम लगा देंगे सीटी, दाल तो है ये 6-7 सीटी में हो जाएगा। कितना बढ़िया सर कर रखे हैं, खीर पूड़ी कटहल की सब्जी और ये कितना बेस्ट है, खीरा सलाद सब कुछ हम कितना बढ़िया है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइज।